चलिए मध्य प्रदेश की ओर नजर करते हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नकली खाद्य सामग्री को लेकर फिर से चेकिंग अभियान शुरू है। शिवनी मालवा जिला खाद्य अधिकारियों द्वारा शहर की दूध डेयरी पर औचक निरीक्षण किए गए और सैंपल इकट्ठे किए गए और जिसके चलते पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जब जिले से आई खाद्य विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ निरीक्षण करना चालू किए, सैंपल इकट्ठे करना चालू किए, तो नकली दूध बनाने वाले और सिंथेटिक दूध का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की शिकायत आ रही थी, उसी आधार पर ये टीम कार्रवाई कर रही है। खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी इसके संबंध में ऑर्डर्स किए हुए हैं कि स्पेशली अभी दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों के सैंपल भेजे थे। उसी के एवज में हम लोगों ने होशंगाबाद जिले के अन्य तहसीलों के साथ आज यहाँ पर सैंपलिंग किया है, जिसमें श्रीजी दूध डेयरी, माँ किरण नर्मदा कृपा दूध डेयरी, राजपूत दूध डेयरी, इनसे सैंपल लिए हैं दूध के और दही के। जांच के लिए इनको स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजा जाएगा, वहाँ से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर, त्यौहार का सीजन आने वाला है और हमेशा से शिकायत मिलती रहती है कि त्योहारों में जो मिठाइयाँ हैं वो नकली मावे वगैरह की, तो इस प्रकार की मुहिम क्या निरंतर खाद्य विभाग की हमारी प्रत्येक महीने जाँच चलती रहती है, रेगुलर सैंपलिंग होती है। फिर भी हम फेस्टिवल को विशेष ध्यान में रखते हुए उस समय हम अलग से सैंपलिंग कार्रवाई भी करते हैं।